दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल आर गुरु जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो? अभी हम लोग नेक्स्ट पोएम करेंगे, वो है वेमेन इन डच पेंटिंग। यूनिस डिसूजा की पोएम है वेमेन इन डच पेंटिंग। थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है? यूनिस डिसूजा 1940 में पैदा हुई, 2017 में डेथ हो गई इनकी। ये पोएट रही, क्रिटिक भी रही, नॉवलिस्ट भी रही, ठीक है? परंतु ये पोएट्री के लिए ज्यादा जानी जाती है ना? इनकी कई सारे पोएट्री कलेक्शंस हैं। वेमेन इन डच पेंटिंग कलेक्शन 1988, ऐसे तो इनका जो पहला कलेक्शन था वो 1970 इसमें ही आ गया था देखा जाए तो, परंतु वो इतना पॉपुलर नहीं रहा। तो जो पॉपुलर कलेक्शन है वो ये है, वेमेन इन डच पेंटिंग 1988, वेज ऑफ बिलोंगिंग 1999, इंडियन वेमेन पोएट्स 1997, दीज माई वर्ड्स 2012, एंड लर्न फ्रॉम द एलमंड लीफ 2016। ठीक है, ये कुछ पॉपुलर इनके पोइट्री कलेक्शन रहे हैं। आज की जो पोएम है वुमेन इन डच पेंटिंग, वो इनके जो कलेक्शन है ना 1988 में आया, वुमेन इन डच पेंटिंग नाम से ही इसी कलेक्शन का हिस्सा है ये पोएम वुमेन इन डच पेंटिंग। तो ये एक्चुअल में फेमिनिस्ट राइटर रही हैं, औरतों के हक उनकी बात ये उठाती रही, ठीक है? तो ये पोएम भी आपको एक फेमिनिज्म की पोएम नजर आएगी, क्योंकि इसमें भी वो इस तरह से औरतों की राइट, उनके अधिकार, उनकी नेचर, उनके कैरेक्टर की बात कर रही हैं एक तरीके से, ठीक है? चलो टेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया छोटी सी पोएम है, पर बहुत ही थॉटफुल पोएम है। तो देखो, द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेस, दोपहर का सूरज उनके चेहरे पर है। देखो आफ्टरनून सन, आफ्टरनून सन का मतलब क्या है यहाँ पे? यानी उनके चेहरे पे दोपहर का सूरज है, इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब यह है कि दोपहर के बाद का समय है, मतलब दोपहर हो चुकी है और सुबह से काम करते करते दोपहर हो जाए तो अब थकावट तो बॉडी पर होगी, यानी चेहरे पे आपको आफ्टरनून सन नजर आ रहा है, मतलब उनके चेहरे पे वो थकावट नजर आ रही है, दोपहर हो चुकी है, लोग आराम करते हैं इस टाइम पे, तो उनके चेहरे पे वो आफ्टरनून सन नजर आ रहा है, मतलब थकावट नजर आ रही है, बट इसके बावजूद भी दे आर काम नॉट स्टूपिड, वो शांत है परंतु बेवकूफ नहीं है। यानी काम है, शांत है, चुपचाप है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको बेवकूफ समझो। ये लेडीज के लिए बोला जा रहा है कि ये जो गृहिणी होती हैं, ये घर में अपना दिन भर काम करती रहती हैं, दोपहर में उनके चेहरे पे थकावट भी नजर आपको आ जाएगी, परंतु उसके बावजूद भी वो काम है, वो शांत रहेंगी, परंतु ये शांत है, चुप है, इसका मतलब ये मत समझना कि वो स्टूपिड है, वो बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। प्रेग्नेंट है नॉट बोवाइन, इस लाइन के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, मैं दो मीनिंग बताऊंगा, ठीक है? आप एग्जाम में कोई भी लिख के आ सकते हैं। प्रेग्नेंट नॉट बोवाइन, प्रेग्नेंट का एक मतलब होता है कि आप थॉटफुल है, सोच विचार में मग्न है, ठीक है? और बोवाइन यानी गाय होता है, तो बोवाइन का एक अर्थ होता है कि गाय को बेवकूफ भी कहा जाता है। तो यानी कि वो सोच विचार में मग्न है, परंतु ऐसा मत समझना, क्योंकि वो शांत है पर स्टूपिड नहीं है, सोच विचार में मग्न है परंतु आप उनको बेवकूफ नहीं समझे। अगर वो बोल नहीं रही, कुछ आपको जवाब नहीं दे रही, रिप्लाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है, उनको कुछ आता जाता नहीं है। एक अर्थ तो ये हो गया, है ना? दूसरी बात ये कि वो लेडीज हैं, बच्चे वो पैदा करती हैं, वो प्रेग्नेंट होगी, वो बच्चे पैदा करेगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बोवाइन यानी गाय भैंस समझें। ये से गाय भैंस से आप अपनी मर्जी से हर साल बच्चे पैदा करवा लेते हैं, वैसे औरत को एक बच्चा पैदा करने की मशीन ना समझें कि वो प्रेग्नेंट होगी, परंतु तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय भैंस की तरह आपके लिए बच्चे ही पैदा करती रहे। तो ये डबल मीनिंग है इनमें, आपको जो बेटर लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखो उनके चेहरे पे थकावट नजर आएगी परंतु वो काम शांत रहेंगी, कोई परंतु स्टूपिड ना समझे उनको, वो विचारों में मग्न हो सकती हैं परंतु उनको बेवकूफ ना समझो, या कह सकते हो कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है परंतु उनको बच्चे पैदा करने की मशीन ना समझो। आई नो वुमेन लाइक दैट, तो राइटर बोल रही है कि मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ, एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग, केवल तस्वीरों में ऐसी नहीं होती है, क्योंकि अक्सर देखो ऐसी लेडीज की तस्वीरें बनाई गई, क्योंकि ये टाइटल भी है वुमेन इन डच पेंटिंग, और राइटर ने कोई पेंटिंग देखी है, डच पेंटिंग, एक पेंटिंग देखी है किसी डच पेंटर की, और उस पेंटिंग में उनको ऐसी लेडी नजर आई है, ठीक है? इस तरह की गृहिणी, इस तरह की लेडीज नजर आई है उनको पेंटिंग में, तो ये उन पेंटिंग की लेडीज की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है कि आई नो वुमेन, मुझे ऐसी औरतों के बारे में पता है, मैं रियल लाइफ में जानती हूँ ऐसी औरतों को, लाइक दैट नॉट जस्ट इन पेंटिंग, केवल पेंटिंग में नहीं होती है, वो रियल लाइफ में भी होती है, मैं जानती हूँ ऐसी औरतों को। वो एग्जाम्पल देती है, देखो एन आंट, एक तो आंट है हु डिड नॉट आंसर आर हस्बैंड बैक, जो अपने हस्बैंड को पलट के जवाब नहीं देती है, यानी वो एक ऐसी आंटी को जानती है जो कि अपने हस्बैंड को पलट कर जवाब नहीं देती है, नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन, इसलिए नहीं कि वो बहुत ही साधारण महिला है या वो जवाब नहीं दे सकती,
उसको जवाब देना नहीं आता, इसलिए वो जवाब नहीं देती। ऐसा नहीं है, परंतु क्यों? क्योंकि उसको पता है एक बात कि वो मतलब इंटेलिजेंट भी है, वो सब जानती है, परंतु वो जवाब नहीं देती है। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है कि वो सम्मान करती होगी अपने हस्बैंड का। सिर्फ जवाब नहीं देने का मतलब ये ना समझे कि वो लेडी बेवकूफ़ है, उसको कुछ आता जाता नहीं है, वो गवार है, वो बहुत साधारण महिला है, उसको जवाब देना वैसे भी नहीं आता, उसमें ज्ञान भी नहीं है, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाती। ऐसा नहीं है, इसका वो इनडायरेक्टली उसने राइटर ने ये कहना कह दिया है कि वो पूरी सक्षम है, सोच विचार करती हैं, सब समझ सकती हैं, सब जानती हैं, उनको नॉलेज भी है, परंतु क्योंकि वो अपने हस्बैंड का सम्मान करती हैं, वैसी गृहिणी है, इसलिए वो जवाब नहीं देती हैं। एंड अन्ना हु राइट्स पोएम, एक अन्ना भी हैं जो कि कविताएं लिखती हैं, हु राइट्स पोएम एंड होप्स हर एवोकाडो स्टोन्स विल स्प्राउट इन द किचन, और वो उम्मीद करती है कि उसके एवोकाडो स्टोन्स अंकुरित हो जाएंगे किचन के अंदर। एवोकाडो एक तरह का फल होता है, एक प्लांट होता है, उसका एक फल होगा इस तरह से एवोकाडो, उसके अंदर स्टोन्स का मतलब है उसकी गुठली, ठीक है। एवोकाडो स्टोन्स का मतलब क्या है? उस एवोकाडो फल की गुठली। गूगल पे सर्च करना एवोकाडो कैसा होता है देखने में, ठीक है, कहीं ना कहीं देखा होगा आपने। तो एक अन्ना है, दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया, एक अन्ना जो कविताएं लिखती है और साथ में घर का काम भी करती है, वो किचन में उसके एवोकाडो स्टोन यानी एवोकाडो फल की गुठलियां रखी हुई है और वो उम्मीद कर रही है कि ये गुठलियां अंकुरित हो जाएंगी, जैसे धीरे धीरे चने नहीं फूट जाते हैं, उनमें वापस उगने लग जाते हैं, आलू उगने लग जाते हैं, वैसे वैसे उम्मीद कर रही है कि वो एवोकाडो की जो गुठली है वो अंकुरित हो जाएगी। होप्स हर एवोकाडो स्टोन विल स्प्राउट इन द किचन, किचन में रखे रखे वो स्प्राउट मतलब अंकुरित हो जाएंगे। हर वॉइस इज ओट मील एंड हनी, और उस अन्ना की जो आवाज है वो कैसी है? ओट मील, ओट्स होते हैं खाने के, होते हैं ओट्स, तो ओट की बनाई गई खीर जो होती है ना उसे ओट मील बोलते हैं, उसका बनाया गया मतलब एक पकवान। तो उस अन्ना की आवाज ओट मील जैसी मीठी और शहद जैसी मीठी, मतलब दो एग्जांपल दिए उन्होंने। हर वॉइस इज ओट मील एंड हनी, उसकी आवाज क्या है? ओट मील एंड हनी, ओट मील एंड हनी दोनों क्या है? ये मेटाफर्स है एक्चुअल में, क्योंकि उसने बोला उसकी आवाज ओट मील और हनी है, ऐसे नहीं बोला उसने कि उसकी आवाज ओट मील और हनी के जैसी है, जैसी है लिखा होता लाइक या एज तो सिमिली हो जाता, पर ये मेटाफर है, परंतु इसका अर्थ वही निकल रहा है, वो तो तुलना ही रही है, कर तो वो कंपैरिजन ही रही है, परंतु कंपैरिजन छूट गई है, ठीक है। तो उसकी आवाज क्या है? उसकी आवाज ओटमील और हनी है, यानी कि ओटमील और हनी के जैसी है, कहने का मतलब यही निकल रहा है, यानी मतलब मीठी है आवाज। तो पोएम खत्म हो गई है, तो क्या मिला इस पोएम में आपको? देखो उसने बहुत ही कम शब्दों में एक बात कह दी कि घर में काम करने वाली गृहिणी लेडीज को यह ना समझा जाए कि वो बेवकूफ है, वो किचन का काम कर रही है। एक अन्ना है वो कविताएं भी लिखती है, कविताएं कौन लिख सकता है? जो इंटेलिजेंट हो, जो सक्षम हो, जिसमें कल्पना करने की शक्ति हो, ऐसा और बहुत सोच विचार, जो सोच विचार की जो चीजों को, मतलब कविता ऐसे ही कोई लिख नहीं सकता, जो बहुत ज्यादा सोचता हो, बहुत ज्यादा विचार करता हो, चीजों के बारे में मग्न रहता हो, काफी चीजों के बारे में मतलब विचार करता हो, है ना, तो वैसा व्यक्ति ही कविताएं लिख सकता है। तो और बहुत इमेजिनेटिव भी हो, कल्पना से भरा हुआ हो, तो वो कविताएं लिखती है, इसका मतलब है शी इज इंटेलिजेंट, परंतु साथ में वो किचन में काम करती है, उसके एवोकाडो की गुठलियां, एवोकाडो स्टोन्स किचन में रखे हुए हैं और वो उम्मीद कर रही है कि वो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे, और उस अन्ना की आवाज बहुत मीठी भी है, ओटमील और हनी है। तो और उससे पहले एग्जाम्पल एक आंट का दिया कि जो अपने हस्बैंड को पलट के जवाब नहीं देती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही साधारण महिला है, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से जवाब नहीं देती, हो सकता है वो सम्मान नहीं करती वो अपने हस्बैंड का, इसलिए जवाब नहीं देती, ठीक है। तो राइटर ने भी एग्जांपल दिए हैं कि ऐसी लेडीज की आप समझते हो कि गृहिणी लेडीज ऐसी नहीं होती है, तो गलत है। अगर आप सोचते हो ऐसी सिर्फ पेंटिंग्स में होती है, या फिर एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ देता हूँ कि स्टोरीज में होती है, कहानियों में होती है, ऐसा नहीं है। या तो पेंटिंग का दिया है राइटर ने केवल, कि ऐसा केवल पेंटिंग्स, उसे पेंटिंग देख रही थी, वो डच पेंटिंग देख रही थी और पेंटिंग में सा उसको चित्र नजर आए ऐसी गृहणियों के, तो उनको देख के कविता लिख दी इन्होंने, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसी महिलाएं पेंटिंग में होंगी, वो असलियत में भी होती है। मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं, एक आंट देखी है जो अपने हस्बैंड को पलट के जवाब नहीं देती, और एक अन्ना है जो कविताएं लिखती है परंतु साथ में किचन का काम भी अपना बखूबी कर रही है, और उसकी आवाज भी बहुत मीठी है। तो ये अपनी पोएम हो गई है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आपको बड़ा ही आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, इट्स ए वेरी इजी पोएम, ठीक है। होप्स हर, इसमें होप्स और हर, हा हा, तो यहाँ एलिटेशन था, ठीक है, कई बार मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद भी देखा करो कि इसमें कहाँ का क्या क्या है, और मुझे कमेंट करके बताया करो सर वहाँ पे वो था ना, तो मैं फिर आपको मतलब आंसर दूंगा उसका कि हाँ आपने सही ढूंढा है क्या, ठीक है। तो ये अपनी पोएम हो गई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, इस लाइन पे कंफ्यूज ना हो, प्रेग्नेंट नॉट बोवाइन, मैंने दोनों अर्थ बताए आपको, दो अर्थ मेरी तरफ से, बाकी आप तीसरा अर्थ निकाल ले तो और भी बहुत बढ़िया। पोएट्री में कोई फिक्स अर्थ नहीं होता है,
आपको जो मीनिंग है ना उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए, उसको सही ठहराना आना चाहिए, आपको सही लॉजिक देने चाहिए। बाकी सारे अर्थ सही होते हैं पोएट्री में, अगर आप लॉजिक दे पा रहे हैं तो। अगर आप लॉजिक नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपका अर्थ सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।